मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ, सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी यानी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आज एक बार फिर छोटे से गैप के बाद हाजिर हूं आप सबका जाना पहचाना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके कॉल्स मिलते हैं हमको कि ये कार्यक्रम हमेशा चालू रहना चाहिए, ये कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप सब भी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? एक तो ये कि आप स्वयं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो उसके लिए आपका स्वागत है, और इसके अलावा अगर आप आपके किसी परिचित को सुनना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। बस शर्त केवल और केवल एक है कि जो भी हमारे मेहमान हों वो विवाहित हों और उनकी अपनी एक अच्छी सी प्रेरणादायक कहानी हो। तो चलिए आज भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के, और आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि हमारे जो मेहमान हैं आज के, देखिए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं इसमें अपना योगदान दिया, उन्होंने स्वयं हमें ये कहा कि वे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। मूल रूप से इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांग साथियों का जो संघर्ष है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, और खासकर विवाह के मामले में कि उनको जीवन साथी उनका मिला, कैसे मिला, कितनी आसानी से मिला, समाज परिवार और लोगों का उसमें किस तरह का योगदान रहा अथवा नहीं रहा, और हमारे मेहमानों ने किस तरह से अपने हमराही को पाया। बस आज भी यही कोशिश करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं श्रीमान कमल किशोर जी और ममता जी का, जो कि आज देश की राजधानी दिल वालों की दिल्ली से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। तो कमल भाई और ममता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, मेरा यानी कमल किशोर और मेरी मैडम ममता जी का की ओर से आप सबको नमस्कार। जी ममता जी। जी सर नमस्ते। जी तो श्रोताओं, ममता जी की आवाज कुछ धीरे आ रही है, लेकिन कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मुझे उम्मीद है कि उनकी आवाज आप तक बहुत ही जोश और उत्साह के साथ पहुंचेगी। तो कमल भाई, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में कुछ बताएं। जी सर, जैसा कि आपने अभी बताया श्रोताओं को कि मेरा नाम है कमल किशोर कुमार, मुझे लोग केके के नाम से जानते हैं। केके के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं यानी कि केके जब छोटा था, जब वो छोटे स्कूल में पढ़ता था, तो उसने केके के नाम पे एक छोटी सी कविता बनाई थी, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के स्टूडेंट थे जी, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि कविता ये बनाई थी कि स्कूल इज माई टेम्पल विच मीन्स गुरु स्कूल इज माई टेम्पल एंड टीचर इज माई गॉड, यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश, है ना। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर, सो वी डू लाइक वी लाइक टू डू अप्रिशिएट द टीचर्स। तो स्कूल इज माई टेम्पल एंड टीचर इज माई गॉड, स्टडिंग इज माई एम एंड केके इज माई नेम, दैट्स ऑल। तो मुझे केके के नाम से भी जाने जाते थे सर, और मैं बेसिकली हूँ झारखंड गिरिडीह जिला का, और बहुत ही बैकवर्ड एरिया गिरिडीह जिला से, झारखंड खटपो गांव का हूँ मैं, और मैं जी और मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। हमारे मेरी श्रीमती ममता जी और मेरी दो बच्चियां हैं जी। कमल भाई, थोड़ा सा अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ शिक्षा अर्जित की, और आपको जो दिव्यांगता है हमारे सुनने वालों को उसके बारे में भी बताएं। जी दिव्यांगता जो है
जो मैं ब्लाइंड 100% हूँ और मैं बाय बर्थ हूँ जी। और रही बात मेरी शिक्षा दीक्षा की, तो चूंकि जैसा कि साथियों मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं झारखंड जिला का एक उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज भी लोग शिक्षित नहीं है, आज भी लोग जॉब में नहीं है। तो उस एरिया से चूंकि मेरे पापा को मुझे ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता नहीं था, और सच तो यह कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो गांव में लोग बोलते थे कि तुम अंधरा हो, अंधरा अंधरा मोटोबोटी जो अंधरा क्या है, मैं तो अंग्रेजी पहले जानता नहीं था भाई। तो चूंकि हमारे पापा थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, हम लोग मोदी बनिए हैं तो पढ़े लिखे थे, तो हम लोगों ने जो है फिर किसी की मदद से पटना ब्लाइंड स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 1 जुलाई 1992 को। पटना ब्लाइंड स्कूल के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा सुनने वाले श्रोताओं को भी और संदीप सर आपको भी, और जो अगर जी अगर और भी कोई पटना ब्लाइंड स्कूल यानी पटना कदम कुआं ब्लाइंड स्कूल के श्रोता हमें सुन रहे हो, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पटना ब्लाइंड स्कूल 1922 को खुला था और 2022 को जो है पूरे 100 साल होने जा रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग जी और पटना ब्लाइंड स्कूल 2022 सेंचुरी सेलिब्रेशन जो है बड़े भव्य तरीके से मनाए जा रहे हैं और कई लाख रुपए से भी ज्यादा लागत से मनाए जाने वाले ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम का आप लोग भी हिस्सा बने। क्या बात है, बहुत अच्छी सूचना दी आपने कमल भाई। हम भी जरूर प्रयास करेंगे कि अगर हमें भी इस कार्यक्रम में अवसर मिलता है या मौका मिलता है। एब्सोल्युटली जी जी जी। तो उसके बाद पटना में मेरी एडमिशन हुई, मैं पहली क्लास में पटना ब्लाइंड स्कूल में आया और जो टीचरों ने जो मुझे देखा तो उनको लगा कि मुझे प्रमोट करना चाहिए। फिर मैं कक्षा 1 से 3 में चला गया और इस तरह से जो है मेरे प्रमोटेड होते चले गए और पटना का कुछ माहौल मुझे सूट नहीं किया और मुझे लगा कि आई शुड लीव पटना एंड आई वांटेड टू बी अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश। और सो पटना के चुकी बनारस के कुछ टीचर्स थे जो हमारे पटना में जो टीचर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया था कि कमल किशोर आपको बनारस में होना चाहिए। तो मैं 1992 को दुर्गा कुंड बनारस जो हनुमान प्रसाद पोद्दारम विद्यालय है विद्यालय। और देखिए कमल भाई, एक विद्यालय जहाँ से आपकी शुरुआत हुई उसका आप शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं और उसके बाद जिस विद्यालय में आप गए हैं, संभवतः आप और हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो विद्यालय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और करीब करीब वो बंद हो ही चुका है। निश्चित रूप से सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली यू नो वाराणसी इन एंशिएंट पीरियड वाराणसी इज वाज कॉल्ड रेड सी एंड नाउअडेज आल्सो इन इंग्लिश वी से रेड सी एंड वाराणसी इज द सेंटर ऑफ म्यूजिक कल्चर एंड एजुकेशन। बनारस एक बड़ा ही शिक्षा संस्कृति म्यूजिक इनके जो है सेंटर, संगीत शिक्षा और संस्कृति के केंद्र है। और बनारस में BHU और बनारस में काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद जैसे 3-3 यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। तो उस एरिया में जब मैं बनारस गया 1999 में 9th क्लास में एडमिशन लिया था सर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे BHU से सब जितने लेडीज जेंट्स गर्ल्स बॉयज सभी लोग हम लोग फ्री सेवा देने आते थे रीडर के रूप में, राइटर के रूप में, तो उनसे मुझे काफी प्रेरणा मिली। और उसके बाद फिर मैं बनारस में 12th पास करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया, MA किया। अनफॉर्चुनेटली MA कम्प्लीट नहीं हो पाया, लास्ट सेमेस्टर का पेपर मैं दे नहीं पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरे घर में पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, आई वाज इन अ फिक्स। तो फिर हुआ कि नहीं, मैं दिल्ली आ गया भक्ते और दिल्ली में मैं बीमार पड़ गया संस्थाओं में रखे। फिर मेरी बहन रहती है डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में, आप लोग जानते होंगे डेरा सच्चा सौदा हरियाणा, संदीप सर आप जानते होंगे, बिल्कुल सिरसा उम्मीद राम में, बिल्कुल बिल्कुल सिरसा में जी। तो बचपन से मैं वही रहा हूँ, गर्मी छुट्टियों में मैं वही रहा हूँ, इसलिए मुझे हरियाणा भी बोलना पसंद भी है जी। तो उसके बाद मैं 12वीं पास करने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आया और वहां से मैंने BBA में जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद BRA से मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग की और फिर मुझे वहीं से रास्ता मिल गया, रास्ते मिलते चले गए, मैं NIBH देहरादून चला गया और वहां से मैंने शॉर्ट हैंड के लिए एडमिशन ली थी, पर मैंने उसको अधूरे छोड़कर मैंने BEd में आ गया, स्पेशल BEd करा, MEd करा और आज
2013 से तकरीबन आज तक जो है मैं दिल्ली मतलब गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए टीजीटी इंग्लिश के रूप में वर्क कर रहा हूँ। काफी घटनाओं से भरा आपका जो है वो समय रहा है। कहीं पे कुछ पूरा किया और कहीं पे कुछ अधूरा छोड़ दिया। खैर बड़ी कहानियां है सर, आप पूछेंगे तो जरूर इनके जवाब भी मिल जाएंगे। नहीं नहीं वो ठीक है, जिंदगी भी इसी का नाम है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ममता जी भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से अपने ममता जी। जी सर, मेरी नाम ममता कुमारी है और मेरा घर छपरा जिला बड़ा तेलपा ग्राम में है मेरा घर जी। और इनसे और शादी हो गया, मैं बीए क्लास तक पढ़ी हूँ। अच्छा, आपको कुछ दिखाई देता है ममता जी? लाइट प्रोजेक्शन है। अच्छा, लाइट प्रोजेक्शन, ओके ओके। हाँ, एक आँख से दिखता है थोड़ा थोड़ा लाइट। आपकी सारी शिक्षा बिहार में ही हुई है? हाँ सर। अच्छा ओके, तो बहुत अच्छी बात है ममता जी। और ये आपको जो आँखों की समस्या है वो कब से है? मैं 5 साल के जब हो गई थी तब हो गया। मेरी मम्मी बताती है कि जब 5 साल की हो गई तब तुम्हारा आँख खराब हो गया। अच्छा ममता जी, कुछ बताएं घर परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरे 4 भाई हैं और भाभी है और सिस्टर है। अच्छा, हम लोग दो बहन हैं। तो ममता जी, हम जानना चाहेंगे कि कमल भाई से मिलना कैसे हुआ आपका? इनसे मिलना हुआ जैसे मैरिज, जैसे हम लोग पढ़ाई खत्म हो गया, मतलब बीए पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद जैसे घर का लोग सब लोग शादी का बात चलाते हैं, वैसे मेरी मम्मी पापा स्कूल, मतलब हम 8वीं क्लास तक पढ़े हैं ब्लाइंड स्कूल में जी। वो छपरा जिला में ही है, मेरे घर के पास में जी। तो वहीं पर 8वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद मतलब छपरे में ही है वहीं पर कॉलेज, उसके बाद हाई स्कूल में पढ़े, उसके बाद कॉलेज में पढ़े, उसके बाद मतलब मेरे मम्मी पापा मैरिज के बाद चलाने लगे। उसके वो स्कूल का ही सर हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हीं से बात चलाने लगे लोग, तो इन्हीं मतलब बोले लोग कि एक कोई लड़का हो तो बताएं, तो यही मतलब अखिलेश सर हैं तो वही बताए, तो मतलब हम लोग का फोन नंबर से बात हुआ। अच्छा अच्छा, तो फोन पर ही सारे बात हुआ। तो पहली बार में ही पसंद आ गए थे आपको कमल भाई? हाँ सर। मतलब बात किए, वो जो अंग्रेजी बोलते हैं जी, तो अंग्रेजी बोले, तो उसके बाद हम भी बोले, हमसे भी मतलब जो सारे पूछे कि तुम कितने पढ़ाई की है, क्या कैसे करती है, तुम कैसे काम कर लेती है, तो हम भी बताए, वो भी अपना बताए, तो हम बोले ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है तो शादी कर लेंगे, आप ये भी बोले कि ठीक है हम कर लेंगे जी। चलिए अच्छा है, बाद में और आपसे हम कोशिश करेंगे जानने का, लेकिन इस बीच में कमल भाई जी सर, आप जरा बताएं कि कब से आपने विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया था? Absolutely. और किस प्रकार जो है वो ममता जी तक पहुंचे आप? Absolutely. सर, आपको मैं जैसा कि बताया हूँ कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के 11 भाई बहन है, यानी कि क्रिकेट की पूरी टीम मौजूद है, और ये 11 भाई बहन में हमारी 8 बहनें और हम 3 भाई हैं। तो चूंकि ब्लाइंडनेस जो है वो गाँव में आज भी कर्ष समझा जाता है और कष्ट समझा भी जाता है, और देखा जाए तो परिस्थितियों के हिसाब से ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी अब्स्ट्रैक्ट भी मुझे भी लगता है, क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, आजकल जो जिस तरह से एग्जाम सरकार ले रही है, जिस तरह से पेपर बनाओ तो इसकी कॉपी करो, तो उसको कॉपी वोपी करना तो ईजी है, फिर भी डायरी बनाओ, फिर बच्चों को टेस्ट दो, फिर उसको चेक करो, फिर चेक करके उसके अकॉर्डिंगली नंबर दो, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कितने भी सारे ऐप्स डेवलप हो गए हैं, पर आप ऐसी कोई ऐप नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं बनाई गई है आज तक जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड उसको लिख सके ब्लैक बोर्ड पे या फिर कागज पे। इस बात को मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सहमत होंगे इस बात से जी। तो ये बात, फिर पढ़ाई जहां तक रही बात मुझे ममता सब मैम से मिलने की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2013 से जॉब कर रहा था डिफेंस कॉलोनी में, उसमें गेस्ट टीचरों की जो सैलरी थी वो पर डे के हिसाब से 700 रुपए थी जी।
उसमें मेरा सीटेट क्वालिफाइड में नहीं था जी। तो मैंने बीच में अप्लाई करना छोड़ दिया, फिर 2015 में मेरा सीटेट हुआ, उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई किया, उसके बाद हो गया। और 2015 में ही जॉब लगने से पहले ही ये अखिलेश सर, जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि अखिलेश जी ये दिल्ली सरोजनी नगर में जो एज ए म्यूजिक टीचर है, वो भी ब्लाइंड साइटेड है। एब्सोल्युटली ही इज आल्सो ब्लाइंड। तो सर ऐसा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हुआ करती थी मदनगिरी में, छुट्टियों में हम लोग आते थे जी। तो वो मुझसे बोलते थे कमल किशोर शादी करोगे? ओके देन। तो मैंने कहा कि शादी करोगे? तो मैंने कहा जरूर जी शादी कराओ सर, जो कहोगे वो कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, शादी तो शादी है। फिर किसी तरह से उनसे मतलब पट पट आ गए, उनसे नंबर मैंने ले लिया। अच्छा हाँ। और नंबर लेने के बाद मैंने पहले उनको सुना वो क्या क्या बोलते हैं। नंबर आपने क्या कह करके लिया, मतलब कि सीधा मतलब बात बात करूंगा या? हाँ नहीं, मैंने बोला मैंने सर देखो मैंने उनके सामने बात की, पहले मैंने उन्हीं के फोन पे बात की, उन्हीं के फोन पे बात की। मैंने बोला कि जी मेरा नाम है कमल किशोर कुमार और आपके यहाँ एक लड़की है ममता करके, और मैं उसके लिए बात करना चाहता हूँ और मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो फिर ममता बोली कि मेरा ही नाम ममता है। हम बोले ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर ले लेते हैं। तो आपने क्या समझा था उस समय इनको? नहीं उस समय मैं सोचा कि उनकी सिस्टर होगी या अच्छा, कोई अच्छा, और अच्छा, अच्छा। जी 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 चलिए फिर आगे। तो फिर हुआ कि नहीं, फिर उनका नंबर लिया और फिर हम लोगों ने जो है आपस में बातें, उन्होंने अपनी बातें रखी जो ब्लाइंडनेस की जो कॉन्सेप्ट है आजकल या पहले भी थे, और जो गाँव में जो ब्लाइंड के प्रति जो परिस्थितियां हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो मेरे से मैच खाता दिखाई दिया। मुझे लगा कि हाँ एक चीज मैच नहीं खाता है जो सही बात है कि मेरे फादर जो है वो गांव में मतलब एज ए डॉक्टर सिंपल डॉक्टर है, वो MBBS नहीं है, गांव में डॉक्टर रहे हैं, पर इनके जो फादर है वो गांव में हेडमास्टर रिटायर्ड है जी। तो हमने इनसे बातचीत की और हमें लगा कि चलो कोई नहीं, हम लोग जीवन जी लेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि कंप्रोमाइजिंग में क्या क्या कर लेती है, खाना बना लेती है, कपड़ा प्रेस कर लेती है, कपड़े धो लेती है, सारे काम कर लेती है। तो मुझे भी लगा कि यार ये सारे काम ये कर ही रही है, मैं स्कूल में पढ़ाई रहा हूँ, पर जब लगी एक शादी कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने शादी कर ली और शादी भी करी तो बिल्कुल मतलब ऐसे कि उनके पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं था, उनकी समर्थन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी शादी कहीं और हो। और वो मैं भी शादी से पहले एक बार मिला भी था कहीं और, मैडम से मैंने कहीं और मतलब कहाँ हो? कहीं और नहीं, हम मतलब उनके घर गए थे शादी से पहले एक बार गए, मतलब वो साइटेड से करवाना चाहते थे क्या जी? उनके पेरेंट्स चाहते थे हमें देखना कि ये तो वही बताएंगे कि वो किसे करवाना चाहते थे, चूंकि पर उनको लगता था कि मैं बेरोजगार हूँ और चूंकि उनका जो है भरण पोषण कैसे करूंगा। तो मैंने उनको बताया कि मैं एज ए गेस्ट टीचर जॉब करता हूँ, तो उनको यकीन नहीं हुआ। फिर भी ममता की मर्जी से शादी हो गई और शादी एक मंदिर में हुई। शादी के बाद हम लोग दिल्ली आ गए और ममता पहली बार दिल्ली आई, और इससे पहले वो दिल वालों की दुनिया में नहीं थी। तो फिर हमने दिल्ली लाया और दिल्ली में जब आने के बाद तो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो आज भी कहते थे कि ये चंदा काटता होगा खाता होगा, पर मुझे चंदा काटना आया नहीं आज तक मैंने। तो फिर हुआ कि जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था 2017 में, तो पहली गुड़िया जब हुई तो वो मैके में हुई। तो मैके में जब ये हुई तो मैं पैसे भेजना शुरू कर दिया एक बार, वैसे 10,000 रुपया महीना जब बच्चा होने लगा तो 40,000 ऐसे भेजने लग गया। तो गांव उनको लगा कि इसके पास पैसा है नहीं, ये भेज कैसे रहा है इतने इतने पैसे ना। उसके बाद फिर हुआ कि वो मेरी मिसेज को और बच्चे को छोड़ने आए, वो मेरे छोटे वाले साले हैं, वो आते हैं, वो बात करते हैं हमसे, और एक उनसे बड़े जो साले हैं उनकी मिसेज आई थी छोड़ने, वो लोग भी रहे। कमल जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ जी, जी मतलब आपने क्या ये तय कर रखा था कि भाई आपको बिना जॉब करती हुई और ब्लाइंड लड़की से ही शादी करनी है? जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है जी। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में BEd कर रहा था जी, उस समय डॉक्टर आरके सर थे, डॉक्टर आरके चौहान थे डॉक्टर साहब, तो वो हमें पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कमल किशोर मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक देहाती। आरके चौहान या आरएस चौहान? या एब्सोल्युटली आरएस चौहान, डॉक्टर आरएस चौहान जी, और हमारे फेवरेट गुरु रहे हैं अभी भी हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि
कमल किशोर तुम ब्लैंड से शादी करोगे या सेटेट से? मैंने कहा मैं ब्लैंड ब्लैंड से नहीं करूंगा शादी। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि भाई बीएड करा, एमएड करा, उनमें भी लड़कियां थी, काफी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, सब लोगों से हमारी दोस्ती प्यार सब कुछ होता रहा। पर मुझे लगा कि जब सब अलग थलग पड़ गए, जब हम बेरोजगार हो गए, तो मुझे लगा कि यार फिर कोई नौकरी करनी है, शादी करनी है, शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार, फिर घर कैसे बसेगा, परिवार को क्या होगा। फिर यही बात मेरी मिसेज के मन में भी गूंज रही थी, तो हमने कहा कि चलो यार फिर पहले शादी करते हैं, लेकिन नौकरी हमारी लग जाएगी क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, सब कुछ जमा हो चुका है, बस जॉब ज्वाइनिंग की बात हो रही है। तो शादी करा मैंने 28 नवंबर को और 9 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो गई। क्या बात है, एक तरह से मतलब सब कुछ कार्रवाई हो ही गई थी जॉब की, फिर भी ममता जी के आने के बाद जो है आपकी नौकरी भी लग गई, ज्वाइनिंग हो गई जी। बहुत बड़ी सर ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद आज तक वो ज्वाइनिंग चल रही है। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए कि आपने वास्तव में चाहा क्या था, कि कोई भी मिल जाए करनी है, या फिर आप कहीं ना कहीं ये चाहते थे? नहीं सर, कोई भी मिल जाए कर ले वाली बात तो ये नहीं थी, पर हमारे भी कुछ अभिलाषाएं थी कि हम शादी करें, अगर या तो ब्लाइंड, चूंकि मैं ब्लाइंड हूं तो ब्लाइंड से शादी कर लेनी चाहिए भाई दबे, उस समय मुझे इतने अनुभव नहीं थे, लेकिन आज के अनुभव से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को सुने हैं और बहुत सारे लोगों से बातें भी हुई है मेरी, जिसमें कि उन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो ऑर्थोपेडिक हैं, और इनके भी मैंने देखे हैं, इनकी जिंदगी की भी कहानियां मैंने सुनी है, जो विजुअली इम्पेयर्ड साइटेड हैं उनकी भी कहानियां सुनी है, जाना है। और मैं जो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि जो हमारी फीलिंग है वो लगभग सेम होती है, जो विजुअली, हाँ इस चीज को आप माने या ना माने, पर आप करीब से कभी देखिएगा सर, आपके काफी लोगों को आप हैंडल करते हैं, जिनको करीब से फील करिएगा कि जैसे एक अनुभव के तौर पर ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सामान्य यूनिवर्सिटी में या सामान्य कॉलेज में या सामान्य स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं और उसमें सामान्य टीचर है, मेल एंड फीमेल सारे हैं, तो आप देखेंगे कि आपसे कितनी लड़कियां बात करती हैं मजाक मजाक में, है ना, और जो तमाम सेटेड लोग हैं उनसे वो लोग एक दूसरे से किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं और कितने करीब पाते हैं वो लोग एक दूसरे को, जी जी, जी। और जी, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आपको सेग्रीगेशन दिखाई देगा, और यही आप किसी ब्लाइंड प्रोग्राम में जाइए जो स्पेशली ब्लाइंडों के लिए होता है, चाहे उसमें सेटेड लोग ही क्यों ना हो, पर उसमें जो है ब्लाइंड का पार्टिसिपेशन मस्ट होता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हम लोगों की फीलिंग सेम है और शादी कर लेनी चाहिए, और ये बात सही भी है कि जो ब्लाइंड है वो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, किसी एक दूसरे को कुछ भी दुख पीड़ा दर्द सुख दुख में साथ हो सकते हैं, पर सेटेड में चाहे कहीं भी हो, मैं चाहे वो प्रोग्राम को ले लूं या कुछ भी ले लूं, मैंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फीलिंग जरूर डिफरेंस देखी है, प्लस जो अदर डिसेबिलिटीज है जो ऑर्थोपेडिक है वो कहीं कहीं तो मैंने उनमें भी इस तरह की चीजें देखी है, और कहीं कहीं सेटेड में मैंने बहुत अच्छी देखी है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को समझाया कमल भाई, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि आपकी फैमिली ने क्या सोचा आपके विवाह के बारे में, या उन्होंने बस बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई तुम जाने और तुम्हारा काम जाने? बिल्कुल, बात यह है कि जो एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो, उनको लगता था कि जो सूरदास होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, तो सूरदास कहा जाता है गाँव में, तो हमारे पापा कहते थे कि सूरदास है, इसको क्या करेंगे, कुछ गाना भजन वगैरह सिखा देंगे, एक तो है गाएगा बजाएगा। तो हमको लगा कि हमें, उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैं सूरदास क्यों कहता है, मुझे मेरा नाम कमल किशोर है और मुझे जो लोग सूरदास कहते थे तो मैं उसको भी कहता था हाँ सूरदास जी, तो हाँ सूरदास जी, जी सूरदास जी बताइए आप मुझे सूरदास क्यों कह रहे हैं, तो मैं कहता आप मुझे क्यों कह रहे हैं, तो आपके पास आंख नहीं है, मेरे का मगाइए आपके पास आंख है तो हाँ कहाँ है आप दिखाइए, तो ये वाली बात होती थी। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि सूरदास जो है वो एक कवि थे और उनके नाम पे जो है ब्लाइंड को जॉन मिल्टन ना करके सूरदास कहते हैं क्योंकि इंडिया है ये। तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि ये पढ़ाई लिखाई अपने आप करेंगे और हो सकता है अगर इसकी किस्मत में होगी तो शादीवादी करेगा, और मेरे भाई वाई नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो क्योंकि उनको लगता था कि ये शादी पढ़ लिख जाएगा, नौकरी वोकरी करेगा, तो इसकी जो है हम लोग शादीवादी करेंगे, इनको रखेंगे और इन्हीं के पैसे से हम लोग भी राज करेंगे।
तो उनका मन में ये था, तो हमने जी आमतौर से गांव में जो एक सोच होती है वही सब आपके साथ भी हुआ। ये बिल्कुल सेम थॉट, सेम फिलोसॉफी, सेम साइकोलॉजी लागू होता है। और सर ये जो ब्लैंड के बारे में, मैं उन लोगों को भी एक हिदायत दूं जो ब्लैंड से मैरिज करना चाहते हैं जी। जो कपल ब्लैंड में अभी भी है उनके लिए भी मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोग चाहे कितना भी आप एक किसी ऐसे घर को देखिए, किसी आप ऐसे मित्र को तलाशिए जो जो ब्लैंड हो, जिनकी बीवी सेटेड हो, और उनके यहाँ कभी कभार मौका मिले तो घूमने जाइए, नहीं भी जा पाए तो उनसे बातें करते रहिए, कुछ न कुछ डिफरेंशिएशन मिलेगी सर। लेकिन अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो अगर जो आपके साथ होना है, जैसे मान लो आज स्कूल में हरासमेंट हो रहा है, तो यार पेपर चेक करना है तो पेपर चेक कैसे करें, हमारे स्कूल में टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, फिर कैसे होगा, बच्चों को पकड़ेंगे, बच्चे तो छुट्टी पे हैं, अब क्या होगा। और सेटेड भी रहेगी तो उसको लगेगा कि अब ये तो आपकी सरदर्दी है, चाहे वो मदद भी कर देगी। लेकिन एक ब्लैंड है तो उनको लगता है कि यार जो प्रॉब्लम है जो इनके साथ है वो मेरे साथ भी है, जो कुछ भी हो रहा है वो इनके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कवर कर जाती है बात। और ये जो सेटेड होती है उनके मन में और भी भावनाएं आ जाएगी कि यार मैं मुझको जब यही करना था तो ये ब्लैंड से ही क्यों करा, तो फिर ये भी हो सकता है कि मैं कुछ और कर लेती, मैं भी जॉब में होती, तो बहुत तरह की बातें होती है जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमल भाई। तो कुल मिलाकर के मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपने परेशान होने की बजाय और इधर उधर मतलब भटकने की बजाय आपको लगा कि जो दिल को पसंद आ जाए बस वहीं पर अपना घर बसा लिया जाए, क्यों? नहीं सर, नहीं, मैं NIBH में जब था तो NIBH में बहुत सारी लड़कियां थी, तो मैंने NIBH में देखा कि हॉस्टल में जो लड़कियां हैं तो उनमें से मैंने बहुतों के बारे में कुछ सोचा भी, और चूंकि सेटेड भी थी, सेटेड में थी, मेरे साथ अनिता नेगी थी और लोग भी थे, तो लेकिन फिर जब हम अपने घर में आ गए, जब इंस्टीट्यूट से अलग हो गए, जब हम इधर उधर रहने लगे, फिर जॉब की तलाश में दिल्ली में आ गए, तो फिर हमें लगा कि हमें एक पार्टनर चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पार्टनर जो है वो समझ सकता है कि एक व्यक्ति को कैसे अस्थायित्व कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने ममता से ऐसे शादी नहीं की है, इनसे मैंने 6 महीने तक पहले बात की है, बहुत कुछ इनके बारे में जाना है, सुना है और बहुत कुछ समझा भी है। और हमको और आज भी ये बात सही है कि किसी सेटेड लड़की से कम काम करने में नहीं है, वो हर काम करती है, खाना बना देगी कि आप भी खाओगे, सोचते रह जाओगे कि कैसे खाना बनाइए, तो सारा काम बहुत अच्छा कर लेती है। और हमारे इनके घर वाले भी आते हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, हमारा भी अभी भी मेरे साले साहब का लड़का आया हुआ है, मेरी शालिम साहिबा आ रही है होली में और मेरे साले साहब आ रहे हैं, तो इन लोग आते जाते रहते हैं और मुझे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिलहाल। और आप पहला दूसरा सवाल आप करोगे कि आप साला साले की बड़ाई तो खूब कर रहे हो, अपने घर के बारे में नहीं बता रहे हो। निश्चित रूप से मेरे जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे फादर का एक्सपायर हो जाने के बाद फिर मेरे घर में इस तरह कोई इंटरेस्टेड लोग नहीं दिखे कि हमारे साथ कोई रहे। मैंने मम्मी को भी कुछ दिन के लिए बुलाया था, तो मेरी मम्मी वैसे भी ब्लाइंडनेस को निग्लेक्ट करती रही है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो जब दोनों दो दो ब्लाइंड उनके सामने आ गए तो उनको थोड़ा ज्यादा ही मुसीबत झेलनी पड़ी, उनको लगा कि हम दोनों ब्लाइंड के बीच में नहीं रहना चाहिए, फिर वो वापस चली गई मम्मी, फिर हम लोग रह रहे हैं ससुराल वालों की सपोर्ट से रह रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ समझदारी है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो ये समझते हैं, ये लोग आते जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कमल भाई, आपने जो कुछ जानने का प्रयास किया और किस तरह से आखिरकार आप सहमत हुए वो सब हम जानेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में, लेकिन यहाँ पर ममता जी से थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं। जी ममता जी। जी जी सर। जी ममता जी, तो ममता जी आपको क्या पहली नजर में ही ये सब अच्छा लगा था कि भाई कमल जी जो है उन्हीं से करनी है, या आपके लिए भी कहीं घर वाले और कहीं भी ढूंढ रहे थे? नहीं सर, पहले नजर में तो नहीं थे, लेकिन मतलब मेरा नजर तो था पहले जो स्कूल का मतलब लड़का था लोग उन लोग पर, मतलब हम चाहते थे कि वो लोग नौकरी वाला था, जॉब वाले थे जी, तो मतलब हम तो पसंद पहले ही, मतलब ये लोग से बात नहीं हुआ था तब जी, मुझे मतलब मैं पसंद कर लिए थे लड़का, तो माँ बाप मम्मी पापा को भी मतलब मम्मी को पसंद थे वो लड़का, इसलिए कि मतलब सामने सामने लोग दिखता था नौकरी करते हुए जी, तो वो लोग को पसंद था।
अखिलेश सर बताए लड़का को, तो ये नंबर से बात किए फोन से, तो मतलब ये कुछ अजीब अजीब से बात की है, बहुत मतलब लगे कि मतलब मेरे प्यार को, मेरे लव को समझ पाएंगे, मेरे दुख को समझ पाएंगे, तो हम भी ऊपर हो गए और फिर ये भी हो गए जी। नहीं, अभी ममता जी, अभी इन्होंने कहा कमल जी ने कि आपके घर परिवार में थोड़ा विरोध था, तो हाँ सर, वो मतलब बताए किस तरह का विरोध था। विरोध था मतलब जैसे पहले फोन से बात हुआ, उसके बाद मतलब ये बोले कि हाँ शादी के बाद चलने लगा, फिर हम बोले, हमारे घर वाले बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले लड़का को देखेंगे, बुलाओ। तो मतलब तो फोटो मतलब ये फोटो भेजे, नहीं फोटो नहीं भेजे, हम पटना एग्जाम देने गए थे KBS का जी, तो वहीं पर इनको बुलाए, ठीक है, दिल्ली से बुलाए, बोले कि मतलब मेरा एग्जाम है, आप आइए, यहीं पर हम लोग मिल भी लेंगे जी, और अपने मम्मी पापा से मिला भी देंगे जी। तो वहीं पर मेरी भाभी का भाई रहता है पटना में जी, तो हम उनको वहीं पर रखवा दिए, एक दिन पहले आ गए, रात भर वहीं पर रुक गए भाई के पास जी, और हम सुबह सुबह गए एग्जाम दिए, उसके बाद फिर आ गए इनके पास जी, और हम और हमारी सिस्टर और मेरे भाई, छोटे वाला भाई गए थे लोग, तो लेकर इनको आ गए घर, तो घर आ गए तो फिर मतलब ये रात भर वहीं पर रह गए घर पे, तो मतलब मान लीजिए कोई घर पे रह जाएगा लड़का बिना शादी किए हुए, इसीलिए मेरे घर वाले विरोध किए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे शादी ऐसा लड़का से नहीं होगा, ये सब मतलब अपना जो जितना सामान था, रजिस्टर मतलब क्या बोलते हैं, अपना सर्टिफिकेट भी सब लिए गए थे, कपड़ा वपड़ा सब लेकर गए थे। तो मेरी माँ बोली, भाभी बोली लोग कि जब अपना सामान लिए आया है तो फिर इसका घर द्वार है नहीं, कहाँ रह रहा है, जब सामान लेकर आया है तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, जहाँ रह रहा है वहीं सामान लेकर जा रहा है आ रहा है, तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, नहीं होगा शादी, सब लोग विरोध करने लगे। तो फिर ऐसे करते 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 5 दिन फिर घर पर रह गए हमारे, मतलब हम इनको सब करते थे, खाना पीना सब खिलाते थे, लेकिन मेरी मम्मी गुस्सा हो गई थी जी कि नहीं ये इसको घर पर क्यों रख रखी है, बोलो जाओ। अच्छा, तो हमको भी शर्म लगता था कि हम कैसे बोले इनको। सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात है जी। तो हम बोले कि कैसे, मतलब अपने मन में करते थे कि अरे हम कैसे बोले जब ये अपने से नहीं जा रहा है लड़का तो जी। तो फिर मतलब मेरे स्कूल का एक सर है, तो वो आए इनको समझाए कि आप अपने घर को चले जाइए, तो फिर ये जाने लगे तो हम रोने लगे, अब 5 दिन रह जाएगा कोई। सही बात है। तो रह गए तो मतलब ये अपने घर चले गए, तो फिर हम रोने लगे, तो फिर मतलब मोबाइल से कॉन्टेक्ट होते रहा, हम बोले मोबाइल नंबर मत बदलिएगा, फिर इधर उधर भड़काने लगा लोग, सब स्कूल का टीचर लोग, मेरी मम्मी पापा को सबको बोलने लगा कि नहीं ऐसा लड़का है वैसा लड़का है शादी मत करो। तो मेरी मम्मी कुछ भी नहीं, एकदम ना के हाँ नहीं करती थी, कभी नहीं, कभी हाँ नहीं करती। अच्छा, नहीं कभी हाँ नहीं करती थी, बोलती थी नहीं शादी होगा ही नहीं। अच्छा, तो वो हम मतलब रोते रहते थे, खाना पीने नहीं खाते थे, छोड़ दिए थे। हाँ। तो फिर बोले मतलब वही सर से, अर्जुन सर है, तो वही बोले, अखिलेश सर का दोस्त है, तो बोले कि सर मेरी मम्मी से बात होती है उनको। हाँ। तो ब्लाइंड का ब्लाइंड दुख समझ सकता है। सही बात है। तो उन्हीं से हम बोले कि सर आप कहिएगा तभी होगा, उनको कैसे कैसे करके पटाए, रोए बहुत बार, अकेले में बोले कि सर अपने भतीजी को लेकर गए। हाँ। और बोले सर प्लीज शादी करा दीजिए, हमको यही पसंद है, और वो भी बोले कि हमको यही लड़की पसंद है। हाँ। तब जाके बोले, तो फिर नहीं 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 हुआ, फिर हम बोले कि कुछ नहीं होगा तो भाई हम दुनिया में रहेंगे ही नहीं, बस हम दूसरे। यहाँ तक बात हो गई थी मतलब। हाँ सर। ओहो, आज कैसा लग रहा है आपको ममता जी, अब सब ठीक है ना? सब सही है सर। खुश हैं आप? जी सर।
और बेटियां बेटियां कैसी हैं आपकी? सब सही है, दोनों दोनों अच्छे हैं। ठीक जी सर। क्या बात है। तो बच्चों को मतलब पालने में कोई दिक्कत होती है आपको कि नहीं? नहीं, बड़ी वाली तो मेरी मायके में ही हुई थी, तो 4 महीना के हो गई तो लेकर आ गए यहाँ पर। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मतलब दवा ववा पिलाने में मतलब हमको तो पता नहीं था कि पहले अपने भतीजा और भतीजी को हम पाले हुए थे छोटे। अच्छा, थे अच्छा, हम अपने घर में लड़की में बड़े हैं। हाँ, तो ये सब करने में सब हमको मतलब सब कर लेते थे अपने। सब अनुभव था, अनुभव था। हाँ, हाँ सब छोटे। मेरी मम्मी का हरदम तबीयत खराब रहता है जी। तो मेरी भाभी लोग को शादी नहीं हुआ था, भैया को, तो पहले मतलब घर में हम ही काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे जी। तो सारे खाना पीना सब चीज काम कर लेते थे। तो फिर वो भतीजा भतीजी को सब संभाले हुए थे, तो हम अपने बच्चे को भी संभाली, बस सिर्फ दवा पिलाने में दिक्कत होता था। फिर वो भी आ गया, दवा पिला धीरे धीरे आ गया वो भी। तो ममता जी एक बात बताइए, जैसे कमल जी ने आपसे बहुत सारी बातें पूछी, 6 महीने तक उन्होंने बातचीत रखी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने भी कभी पूछा था कमल जी को कि भाई आप क्या कर सकते हैं, या अपना एक तरह से आपने इरादा पक्का करने के लिए कोई बात पूछी हो कमल जी से? नहीं सर, मैं तो बस यही पूछे कि आप नौकरी करते हैं कि नहीं, फिर ये बात तो बोले कि हमारा नौकरी हो जाएगा, हो गया है, हो गया है। फिर लास्ट में ये बोलने लगे कि तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा नौकरी नहीं हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। फिर बोले कि नहीं, हम बोले कोई बात नहीं, जब सब कुछ हो गया मतलब मेरे घर पर गए थे तो पहले जो शादी के बाद मतलब होता है वो भी सब कुछ कर लिए थे, तो फिर हम क्या करते, कहाँ जाते उससे। बोले कोई बात नहीं, नौकरी होगा बाद में होगा, शादी कर लिया जाए। तो फिर शादी हो गया, फिर नौकरी हो गया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कमल भाई आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे 6 महीने के दौरान ममता जी को? ये सारे प्रश्न तो याद नहीं है सर। हाँ नहीं, फिर भी जो एक आपने अपने अपना मन बनाने के लिए कोई ऐसी बात जी। लेट मी कंक्लूड माय वर्ड शॉर्टली। ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि हम हॉस्टल में रखे पढ़े हैं, हमने सारी पढ़ाई यहाँ तक जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई की है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब हॉस्टल में, जिसको बोलते हैं एनडी हॉस्टल इंटरनेट, वहां पे रह के पढ़े हैं। तो हमने जो भी पढ़ाई की है लगभग हॉस्टल में रह के की है। छुट्टियों में मैं हरियाणा जाया करता था, जैसा मैं आपको बताया हरियाणा, वहां पे डेरा सच्चा सौदा में भी मैंने कुछ दिनों तक जॉब भी की है गुरमीत राम रहीम के यहाँ जी। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि मुझे परिवार में रहने का ज्यादा अनुभव था नहीं, और चूंकि मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे तो मैं अपने घर पे छोड़ा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं इमरजेंसी जरूरत पड़े, और उसमें हमारे पास ईमेल आईडी भी उतने वो नहीं थे, तो हमें लगा कि यार किसी भी डॉक्यूमेंट की कभी जरूरत पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे घर लाने, झारखंड। तो इस प्रकार हम अपने साथ लिए फिर, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं उनको अपने ससुराल गया, तो चूंकि उनको लगता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ भी या नहीं, तो उस तरह से मैं उस क्रम में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले गया था मैं। और चूंकि जब मैं कपड़े वपड़े सब कुछ ले गया था, तो मैं 1-2 दिन 4 दिन ऐसे कुछ करके रहा, मुझे किसी तरह की फील, चूंकि एक आंख वाला होता है तो उसको आंखों में दिखाई देता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, अगर कुछ वरना ब्लाइंड को तभी पता चलेगा, या तो ये जुबान से कुछ कहे या हाव भाव कहीं शो हो, तो इस तरह की चीजें मुझे फील नहीं हुई। जैसे ये बात जब मैं सुन रहा था कमल भाई आपके 5 दिन तक रुकने वाली और फिर आप जा भी नहीं रहे थे, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था जो मैं अब पूछ लेता हूँ आपसे, कि आपको कभी डर नहीं लगा यार कि अनजान जगह है, अनजान लोग हैं, और पता नहीं कल को कुछ हो जाए मेरे साथ, तो मतलब कभी डर नहीं लगा आपको? मैं आपको बताऊँ सर, देखो सच्चाई तो ये था कि हमने शादी पहले निश्चित कर लिया था जी। हमें लगा उनको जो उन्होंने जो बात जिस तरह से बातें की थी उनके हिसाब से मुझे लगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम यहीं से शादी करके चल चलेंगे जी। तो इस वजह से मैं जो है डर हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर लड़की मेरे साथ है, ये लड़की राजी है शादी करने को, और सब हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जीवन जीने को रेडी हैं, एक दूसरे को समाप्त है, तो फिर तो कोर्ट भी हमारे साथ, कोर्ट भी जाएंगे तो हमारी जीत होगी, जब हम शादी कर रहे थे कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो फिर इस वजह से फिर मुझे लगा कि एक ब्लाइंड, जितना ब्लाइंड के बारे में, चूंकि जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि ये ब्लाइंड स्कूल करके बिहार छपरा में कोई इंस्टीट्यूट है ब्लाइंड वाली, गवर्नमेंट एडेड या कुछ भी है, तो बॉयज स्कूल है वहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पढ़ी और जो कुछ भी बताया इन्होंने, तो
हमें लगा कि वहां पे और भी ब्लाइंड हैं, वो जानते हैं, इनके मम्मी पापा भी ब्लाइंड को जानते हैं, अभी भी ब्लाइंड की एक्टिविटी से अवेयर हैं वो लोग, तो उस बात से मुझे मैं तुल्लुक नहीं रखता। लेकिन मैं डरने वरने की जो बात की, मैं यही सोचता था कि मुझे शादी करनी है, चूंकि मेरी शाली से जब मेरी बात हुई थी शादी से पहले ही, तो मेरी शाली ने मुझे बोला जीजाजी नमस्ते, तो मैंने कहा शादी हुई नहीं तो जीजाजी बन गए। तो हाँ, तो जब जीजाजी बन ही गए तो फिर इनसे भी शादी की बात करी थी मैंने, तो हमें लगा कि हम शादी कर रहे हैं, शादी करेंगे ही, ये निश्चित है कि शादी होना हम दोनों का तय है। तो जी, तो सर देखो, मैं मेरे मन में किसी तरह की कोई वो नहीं थी, और जो कुछ भी होता है वो सबके कहीं ना कहीं सबकी मर्जी होती है। तो हमें लगा कि चलो हम शादी करना आ जाए, जिंदगी जीना साथ में, तो इस वजह से जो है हमने, अब मैं भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, मुझे कहीं रख दोगे तो मैं रह जाऊंगा, मुझे क्या पता कि आप कहाँ हो, आप कहाँ, आपके इसमें कितने कमरे हैं, कौन कौन कमरे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं मतलब ब्लाइंड को कुछ बताया जाएगा जब ही तो आएगा, तो हमने इनसे शादी, जी तो हमने इनसे शादी करनी थी, और इस वजह से मैं, मुझे डर नहीं लगा। बहुत बढ़िया जी। तो कमल भाई, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप लोग रहते हैं जी, काफी भागदौड़ भरा शहर है, बहुत ज्यादा, तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, सामान लाना, ये वो छोटी छोटी चीजें, घर की आवश्यकताएं, और हर बार कोई पास में हो ये जरूरी नहीं है, और आप दोनों दृष्टिबाधित हैं, तो इन चुनौतियों का सामना आप लोग कैसे करते हैं, क्या उसके लिए क्या व्यवस्था स्पेशल आपने कर रखी है? पहले कभी इस बारे में सोचा करता था, मुझे लगता था कि कभी जब ये कमरे में आए तो यार कहाँ पे राशन दुकान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, चूंकि अब रहते हुए 5 साल 5.5 साल हो गए, तो मुझे सब जगह का अनुभव भी हो गया, और वैसे भी मैं जैसे सब्जी वब्जी खरीदना हो गया तो मैं सब्जी बाजार से, मैं खुद भी स्कूल से आता हूँ तो बाजार से चला जाता हूँ, या अब कभी मेरी मिसेज जो है किसी लेडीज के साथ सब्जी मंडी से जाकर सब्जी ले आई, राशन की दुकान पास में ही है, उनके वो दुकान वाले से मेरी हमारी बनती रहती है, जिससे मान लो सामान आता गया महीने दो महीने में, जब भी सैलरी आई उनको पैसा दिया गया, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है, कोई भी सामान आपको, कोई भी सामान चाहिए, किसी भी तरह का सामान अगर इमरजेंसी है तो रात में भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और भाग दौड़ वाली समस्या तो समस्या ही है, जब कोरोना का दौर चल रहा था दिल्ली में, उस समय भी हम दिल्ली में ही थे और उस समय भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गुड, वेरी नाइस, मतलब क्योंकि हमारा स्कूल भी पास में, घर भी पास में, और दूसरी चीज ये कि सारे मार्केट वर्केट भी लगभग पास में ही है, और मार्केट जब कभी जाने के लिए निकलते हैं तो हमारे जानने वाले तमाम सारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, सर जी नमस्ते, सर जी कहाँ चले हो, सर जी कहाँ चलोगे, ये तो बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप चले जाते हैं, चलो सर जी मैं चलता हूँ आपके साथ, ये तो वो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बढ़िया कमल भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय निकल करके आया आपकी बातचीत में जी। आपने डेरा सच्चा सौदा का जिक्र किया जी। और आपने ये भी बताया कि वहाँ आपने जॉब की, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? सर मैं आपको बताऊँ, जो 92 से जब मैं पटना में पढ़ना शुरू किया था, तो 95 में मैं पहली बार जो है मुझे सिरसा जाना हुआ, जहाँ मेरी दीदी रहती है, दो दो बहने जी। सिरसा में मेरी बहन, चूंकि मेरी बहन का मानना था कि मैं गाँव ना जाऊँ, गांव ना जा करके सिरसा में ही मन लगाऊं, ताकि वो अच्छा शहर है, वहां पे थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरी बहन का ये भी मानना था कि वो, मैं उनके साथ रहूं और उनसे कुछ सीखूं, घूमना फिरना, और जब जब छुट्टियां हो तो मैं उनके पास जाऊं और उनके बच्चों से खेलूं कूदूं, वो लोग हमें घुमाएंगे पार्क वार्क में और सब जगह, डॉक्टर को दिखाएंगे या और जो कुछ भी करना होगा वो लोग करेंगे, वो ऐसा मान के मुझे अपने पास रखती थी। तो वो लोग थोड़ा गांव के वो हैं, हम लोग जैसा कि हम लोग हिंदू हैं तो बनिया हैं, तो धर्म को ज्यादा मानते हैं, तो वो डेरा सच्चा सौदा वाले जो है गुरमीत राम रहीम की सेवेदार हमारी दीदी हुआ करती, वो जो है जाती थी सेवा करने, कभी कभी जब भी टाइम मिलता, तो उनका मानना था कि मेरी आंखें बन जाएगी, और मैं भी 9th क्लास तक ऐसा सोचता रहा कि मैं बहुत पूजा पाठ करूंगा तो कभी ना कभी मेरी आंख बन जाएगी। और इस क्रम में मैं डेरा सच्चा सौदा में उसके जो साप्ताहिक सत्संग हुआ करता था, उनमें मैं भाग लिया करता था, और मैं उनको सुनता था और मुझे अच्छा लगता था, और उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए थे, उनको भी हम फॉलो करने का प्रयास करते रहे थे। तो ये सब मुझे ढकोसला लगा कि जब मैं पढ़ लिख करके वो काफी वो हो गया, तो डेरा सच्चा सौदा वाले ने मुझे अपने जॉब पे रख लिया, और वो लोग डेरा सच्चा सौदा के, क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, तो अभी अच्छे बुरे लोग थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे उनमें वहाँ पे, लेकिन एक अलग तरह का माहौल होता था।
था जब भी वो चलता था तब, तो आपने जब जॉब किया तो मतलब एक आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि आप दृष्टि बाधित हैं और आपके साथ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता था सर, क्योंकि वहाँ पे उस समय हमारी सैलरी इतनी कम हुआ करती थी कि 7,000 रुपए मिलते थे। अब सोचो कि 7,000 रुपए मिलते थे, वो भी छुट्टियों में पैसे कट जाते थे। तो मैं अकेला था, शादीशुदा भी नहीं था, और मैं अपनी बहन के यहाँ से जाता था वहाँ पढ़ाने। तो वहाँ पे लोग कहते थे कि जो है वहाँ पे जो उनके गुरु जो बाबा थे गुरमीत राम रहीम, उनसे बात करना और बड़े मिनिस्टर से मिलना एक बराबर हुआ करता था। तो वो इतने पहुंच वाले थे, और आपको भी पता होना चाहिए कि वो राजस्थान को मैं विजिट किया हूँ, आई हैव बीन राजस्थान फॉर सेवरल टाइम्स। तो राजस्थान में भी बहुत सारे प्रेमी हैं वहाँ पे, और उनके भी आश्रम भी वहाँ भी खुले हुए हैं। तो हम वहाँ पे जाते थे उनके यहाँ जॉब करने के लिए, क्योंकि जब हम जॉब पर्पज से जाते थे तो हमारा प्रोफेशनलिज्म हुआ करता था, हमारा कोई मतलब नहीं था डेरा सत्संग से, प्रेमी प्रेमी इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हम लोग अपना जॉब करने जाते थे, जॉब पर क्या और बढ़िया, वेरी नाइस। जी जी जी। लेकिन इस जॉब के दौरान क्या होता था कि जो हमारे पार्टनर जो काम करने वाले होते थे, तो वो गुरमीत राम रहीम ने जो है मुझे टीचर के पोस्ट पे रखने के लिए बोला, और इन्होंने मुझे जो है टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया, और टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। और जो हमारे साथ काम करने वाले बंदे थे वो मुझसे बहुत जलते थे, तो मैं बाथरूम में जाता था, गाना वाना गुनगुनाता था, आपकी बात पड़ गई। तो उन्होंने बोला कि कमल किशोर जी आप जो है जॉब करना चाहते हो या नहीं? हम बोले मैं जॉब करना चाहता तो हूँ, पर मैं जॉब किसी के दबाव में नहीं करना चाहता हूँ। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई कोई जॉब है ये 7,000 रुपए की है, और मेरी डिग्री है बीएड और एमएड, ये 7,000 में तो मेरा पानी भी गर्म नहीं होता भाई, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बोला मिस्टर थिक्की देन यू विल लीव दिस इंस्टीट्यूट। हमने कहा कि आई विल लीव दिस इंस्टीट्यूट, यू हैव नॉट परचेज्ड मी ओके फॉर 7,000, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर मी। तो मैं वहां से भगाया और जॉब छोड़ दिया। अब जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने मिस से अपनी बहन को कैसे बताऊं कि मैं जॉब छोड़ दिया हूं, मैं नौकरी भी नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ लिख भी गया हूं। और एक मेरा दोस्त था अभिनव मिश्रा, वो वहीं पे जॉब करता था, वो गेस्ट टीचर का ही सिरसा में ही। तो क्या हुआ कि मेरी बहन ने जब मुझे डांटा तो मैं वहां से भाग गया, अपनी बहन के यहाँ से भाग गया, और भाग के जो है चौकटा में एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मैंने कभी सुना था किसी के मुंह से, तो भटक के मैं वहीं चला गया। इंस्टीट्यूट में जब मैं चला गया तो मेरे घर वाले सब घबरा गए, मेरी बहन बोले कि मैं इनको डांट के भगा दिया, ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया। अभिनव मेरा दोस्त, फोन किया गया, अभिनव तुम्हारे पास तो नहीं गया था? नहीं। अब मेरे मम्मी पापा सब लोग मेरी बहन से लड़ने लगे, मेरा जो है मेरा बेटा को घर से भगा दिए, वो कहाँ भाग गया, मेरा सोना जैसा बेटा है, ब्लाइंड है तो क्या हुआ, तुमको नहीं रखना था तो मेरे पास भेज देती, तुम भगा क्यों दी, ये वो दुनिया भर की बात है। तो फिर जो है अभिनव किसी तरह से पता किया, और वो इंस्टीट्यूट में जाके मेरे को ढूंढ, और ढूंढने के बाद मेरे को बोला कि दोस्त चलो जो है दिल्ली तुम्हारा इंतजार कर रही है नौकरी की। मैंने कहा कैसी नौकरी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और साले ने उसने जो क्या किया कि मेरे फॉर्म वॉर्म सब भर रखे थे उसने, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास थे, फोटोकॉपी वगैरह। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो मुझे दिल्ली ले आया, और तब से मैं दिल्ली रहने लग गया, जॉब करने लग गया, और फिर दोबारा मुड़के जी फिर मुड़के मैं कहीं नहीं गया जी सर। क्या बात है। तो कमल भाई आप सुनते हैं ये कार्यक्रम हमराही, आपने जैसा कि बताया सर मैं आपके प्रोग्राम हमराही बहुत सुनते हैं, पर इधर कुछ दिनों से कुछ व्यस्तताएं बढ़ चुकी हैं। आपको शायद जो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े होंगे उनसे पता करिएगा, जी जी दिनों इतना काम बहुत लोड बढ़ गया है, तो सुनना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं कर पाते हम। चलिए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं जी, लेकिन फिर भी समय निकाल के हम सुनते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है स्कूल में भी या घर में भी तो हम सुनते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो अपनी जिंदगी के अनुभव से कमल भाई क्या कहना चाहते हैं अब आज के हमारे श्रोताओं के लिए? सर देखो अनुभव मेरे इतने हैं कि अगर उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करूँ, समराइज करने की कोशिश करूँ, तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चूंकि सर मैं आपको बताऊं मैंने बीए में ग्रेजुएशन में मेरी फिलोसॉफी थी, ग्रेजुएशन में इंग्लिश हिंदी फिलोसॉफी, और चूंकि बीएड और एमएड में मेरी साइकोलॉजी रही है, और साइकोलॉजी और फिलोसॉफी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो और भी तगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो पौराणिक काल में जो पढ़े हैं कि कलयुग में द्वापर युग त्रेता युग सतयुग, इन बातों को अगर थोड़ा सा विचार के अपनी जिंदगी से जोड़ के चले, तो चूंकि मुझे याद है और आपने भी सब सुना होगा,
कि त्रेता युग जो होता है उस युग में धर्म के केवल तीन पद रह जाते हैं और एक पद जो है और वो पाप के होते हैं। और उन्हीं पद त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था उस समय रावण जो बैरी था, जो दानव राक्षस था, उनको स्वयं दानव होते हुए भी शिव भक्त था और उन्हीं के घर में विभीषण जैसा राम का भक्त हुआ करता था। तो वो युग था जब कृष्ण भगवान ने जो है वो समझाया, अपने उपदेश में बताया भीष्म पितामह को कि भाई देखो द्वापर युग में जो है त्रेता युग में तो ये था कि तीन पैर थे धर्म के, एक पैर थे पाप के, तो इसकी वजह से रावण भी शिव भक्त बना। लेकिन जब द्वापर आया तो उससे भी बुरा हुआ क्योंकि शकुनी से लेकर के कौरव से लेकर के सारे विपक्ष में आ गए और बेचारे पांच पांडव अकेले बच गए, क्योंकि जबकि दो धर्म के दो पैर पाप के हैं तो बराबर होने चाहिए। तो परिस्थितियां बदल गई, ये तो कलयुग है, यहाँ तो तीन पद पाप के और एक पद पुण्य के हैं। इनमें से आप जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनमें हिस्सा लगा लीजिए कि तीन पद आपका नेगेटिव में जा रहा है। अगर आप 100% ऑनेस्ट हैं तो 75% आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धोखा खाओगे। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे जज हो, इंजीनियर हो, आज के दौर पे देख लीजिए टीचर हो, प्रोफेसर हो, एडवोकेट हो, जो भी हो, अगर आप वाकई ईमानदारी से काम करते हैं 100% तो निश्चित रूप से 75% आपको माइनस में जाना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब जिंदगी जिए तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें, प्लस हम उनको स्टडी जरूर करें कि हम उनसे बचें कैसे, और पॉजिटिविटी जितना हो सके, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया, पामेस्ट्री ने बताया, फिलोसॉफी ने बताया और हमारी जो साइंस कहता है उनकी अकॉर्डिंगली जो आप निष्कर्ष निकल पाते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप जिंदगी जिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया कमल भाई, काफी मजा आया आपसे बात करके। तो ममता जी हैं? जी जी ममता जी, तो आप कार्यक्रम के लगभग बिल्कुल अंत में हैं, हम हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे ममता जी? जी कोई संदेश देना चाहेंगे आप सुनने वाले को? यही बोलेंगे श्रोता को कि मतलब ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करना चाहिए, आंख वाला को भी, किसी किसी का होता है कि हाँ भाई आंख वाले से शादी करेंगे, और किसी किसी का होता है कि ब्लाइंड से करेंगे, लेकिन ब्लाइंड ब्लाइंड को दुख समझता है, इसलिए ब्लाइंड को दुख ब्लाइंड से शादी करना चाहिए। जी 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 जी, चलिए बहुत धन्यवाद। तो कमल भाई और ममता जी, आप लोग हमारे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, समय दिया, तो उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर धन्यवाद। मैं सुनने वाले श्रोताओं से ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे बातचीत के दौरान अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम दोनों ही क्षमा प्रार्थी हैं कि ह्यूमन इज द एरर ऑफ सोसाइटी। थैंक यू। जी जी जी, तो श्रोताओं ये था हमारा आज का हमराही कार्यक्रम। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें हमेशा की तरह, और रेडियो मधुबन 90.4 FM को सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और कॉल करते रहें 94-14-15-14-15 पर। वहां पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बता सकते हैं, और भी रेडियो मधुबन के किसी भी कार्यक्रम पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना या किसी को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और आप सबका स्वागत है। देखिए आप सबके योगदान से ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जो आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसको आप सब अपना समझ करके इतना प्यार देते हैं, सुनते हैं, हो सकता है आने वाले समय में फिर बहुत लंबे समय तक शायद हम जारी ना रख पाए इस कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा रेडियो मधुबन के ही नाम से। आप ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। इंतजार रहेगा आप सबकी प्रतिक्रियाओं का, मैसेजेस का, आज के इस कार्यक्रम में। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।